हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पर। और मैं हूँ रेखा। आप लोगों के बहुत सारे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि जो है पार्लर हम कैसे खोलें, क्योंकि अभी एक दो साल हो चुका है सब लोगों को सीखते हुए। तो बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी हुई है, बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते भी हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं सोचा है आप लोगों ने कि हम पार्लर कैसे खोलें, क्या करें। लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो खोल चुकी हैं, और भी बहुत सारी जो बहनें हैं वो जैसे कहीं पर फ़ीस जमा की हुई हैं। और वो फ़ीस क्या होता है, अभी कल मुझे एक मैसेज मिला हुआ था मेरी एक सब्सक्राइबर का, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उन्होंने कहीं 30,000 रुपये जमा किया हुआ था और सिर्फ 2-3 महीने तक वहाँ पे उन्होंने सिखाया, और 2-3 महीने सिखाने के बाद वो अब उनको हटा दिया, अब उनको नहीं सिखा रही है। तो वही वो बोल रही कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं, कुछ लोग मैसेज कर पाती हैं, कुछ लोग नहीं कर पाती। और भी इससे पहले मैसेज आई थी मेरे पास कि मैं क्या करूँ, इस तरीके से फीस बहुत ज़्यादा और बाहर लेती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप कहीं पार्लर सीखने जाती हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, और एक पार्लर को खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, और एक पार्लर में खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ चीज़ें आनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आएंगी जिससे आप पार्लर खोलकर पैसा कमा सकते हो। क्योंकि पार्लर खोला ही इसलिए आदमी जो खोलता है, जो ही लेडी खोलती हैं, कोई भी खोलता है, वो पार्लर इसीलिए खोलता है कि उससे पैसे अर्न कर सके। ठीक है, तो अगर आप जो भी चीज़ें खोल रही हैं, पार्लर खोल रही हैं, ज़रूरी नहीं कि जितनी चीज़ें पार्लर में ब्यूटीशियन में आती हैं वो सब कुछ चीज़ें आपको आती हों, ऐसा नहीं है। जितनी भी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अभी मैं आपको जो है वाइट बोर्ड पर बताने वाली हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए और जिससे आप पार्लर खोल सकते हैं। सिर्फ उतने से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों खोलने की। और मैं आप लोग को बता दूँ, गाँव में और जो गाँव से जुटा हुआ सटा हुआ शहर होता है, वहाँ पर कितने 70% लोग सिर्फ वही चीज़ें कराते हैं। अभी आपको जो दिखाने वाली हूँ, 70% लोग वही चीज़ कराते हैं। सिर्फ 30% लोग होते हैं जो इससे ज़्यादा और चीज़ें कराते हैं। तो उसके लिए भी है रास्ता, पहले आप खोलिए और इस तरीके के क्लाइंट को हैंडल करिए, उसके बाद आप उसके साथ सीखते हुए आप उसके आगे काम करिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपके क्लाइंट किस तरीके से आ रहे हैं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमने एक कहानी सुनी हुई थी, वो आपको कहानी बता रहे हैं। वो यहाँ की नहीं है, वो बाहर की है, अमेरिका की है, जहाँ पे एक लेडी जो है वो मतलब सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग करती थी और ब्लीच और फेशियल करती थी, सिर्फ इतना करती थी। और महीने का 30,000 से 40,000 रुपये वो कमाती थी घर बैठी, और भीड़ नहीं लगती थी। सिर्फ नंबर उस जैसे कॉलोनी थी जो है, वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी का उनका नंबर था सभी के पास, और जब जिसको आना होता था वो कॉल करके आती थी और वो सबको टाइम दे देती थी। इससे ही वो सिर्फ थ्रेडिंग ब्लीच फेशियल से ही बहुत अच्छा पैसा कमा ले रही थी। ठीक है, तो आप वो अच्छा वो चीज़ कर जो चीज़ वो जो कर रही थी वो अच्छा करती थी, उससे ज़्यादा और काम नहीं करती थी वो, क्योंकि उससे ज़्यादा उनके पास ना ही जगह थी, ना ही सुविधा थी, ना ही और किसी को उन्होंने रखा था, सिर्फ अकेल करती थी। और जो मेंटेन करके उनका पार्लर बिल्कुल घर में ही खोली थी, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर खोली हुई थी। आपका जो एरिया है वो इतना भी छोटा नहीं है कि अगर आप अच्छे से काम करते हो और इतनी चीज़ें करते हो तो ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल कम पैसा, आप महीने के शुरुआत के 5-7 हज़ार 10 हज़ार कमा सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आज ये वीडियो देख लीजिए। और आप लोग ये जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप निश्चिंत होकर पार्लर खोलिए, कहीं भी खोल लीजिए, अपने घर पर खोल लीजिए, गली में, मोहल्ले में, मार्केट में, कहीं भी खोलिए। सिर्फ साफ सुथरा आपको बात करनी है कि हमारे यहाँ इतने काम अभी अवेलेबल हैं, अभी ये सुविधाएं दी जाती हैं, इसके अलावा हम और कोई काम नहीं देते। उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से और आपके पास क्लाइंट आएंगे आपका काम देखकर, फिर आपको किस तरीके से उसको देखना है। तो चलिए पहले बोर्ड पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे जब हम जो भी क्लास आपको देंगे वो इस तरीके के वाइट बोर्ड पर ही लिखकर और हिंदी में आपको क्लास देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे पार्लर सीखूं। तो हिंदी में भी आप सब कुछ सीख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल मैं आपको क्लास जो दूँगी वो प्रोफेशनल होगी, बेसिक एंड एडवांस करेंगे, और ब्यूटीशियन क्लास हिंदी में होगी पार्लर खोले। तो आज जो इतना हमने लिखा हुआ है ये पार्लर खोलने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो है वो थ्रेडिंग आपको आनी चाहिए। थ्रेडिंग सभी प्रकार के शेप में आनी चाहिए, जैसे आर्च हो गया, राउंड हो गया, स्ट्रेट हो गया। इसकी हमने थ्योरी और जो है फुल इसके ऊपर हमने आईब्रो की कम से कम 60 वीडियो हमारे चैनल पर हैं, जो कि आपको सामने फ्रंट पर उसका प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उन सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और आता भी होगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर आए हैं वो लोग उसको ज़रूर देखें। उसमें हमने सभी टाइप के किस तरीके से जो है आपका कौन सा कितने नंबर का थ्रेड धागा लगता है, क्या क्या चीज़ें वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें थ्रेड से जुड़ी हुई हैं वो सब कुछ हमने बताया हुआ है। तो आपको अच्छी तरीके से आईब्रो करना आना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 2 पर वैक्स। आपको वैक्स करना, वैक्स की भी वीडियो हमने शुरू से थ्योरी से लेकर जो है पूरा प्रैक्टिकल तक का हमने क्लास दिया हुआ है, वो भी चैनल पर है, तो उसको भी चेक करें। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। उसके वैक्स जो है वो पहले आपको हैंड का आना चाहिए, फिर पैर का आना चाहिए, फिर उसके बाद फेस का आना चाहिए, फिर जो है जैसे कि हैंड के साथ अंडर आर्म भी होता है, तो इतना ज़्यादा इतना वैक्स आपको आता है आपके पार्लर में, ठीक है। तो फेस की भी वीडियो डली हुई है चैनल पर और फुल बॉडी वैक्स की भी चैनल पर वीडियो डली हुई है, तो उसको देखें, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्स हो गया, उसके बाद आता है ब्लीच। ब्लीच भी कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से की जाती हैं, इसके भी थ्योरी के साथ जो है हमने प्रैक्टिकल भी चैनल पर है, तो उसको भी देखें। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद आता है ब्लीच भी बहुत तरीके की होती हैं, गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, क्रीम फॉर्म में होती हैं, पाउडर फॉर्म में होती हैं। पाउडर तो अभी नहीं की जाती, बहुत कम पहले लोग करते थे, लेकिन पता होना चाहिए, लेकिन वो भी उतना ज़रूरी नहीं है। आपको क्रीम ब्लीच किस तरीके से की जाती है उसकी फुल नॉलेज भी, इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इस वीडियो में भी पूरा हमने पूरा डिटेल में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ब्लीच का भी बहुत अच्छे से क्लियर इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है फेशियल। फेशियल की मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें हमने पूरा टोटल जो है बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं। अगर उसका आधा स्टेप्स भी स्क्रीन पर वो शो हो रहा होगा, वो फोटोज आपको शो हो रही होंगी स्क्रीन पर, ठीक है, तो उसको देखिएगा। बहुत सारे उन लोगों ने उससे सीख कर बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। वो उस फेशियल स्टेप्स में हमने बहुत क्लियर में बताया है, आपको उस तरीके की यूट्यूब पर वीडियोज़ ही नहीं मिलेंगी। आप लोग एक बार उसको ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद आ जाता है हेयर। हेयर के होते हैं, उनका टेक्सचर आना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो थ्योरी के साथ हमने आप लोगों को चैनल पर वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत पहले की वीडियो है इसलिए शायद वो आप लोग को ना मिले, तो मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। तो पहले तो आपको उसकी क्वालिटी देखना है कि वो स्ट्रेट है या कर्ल है या बाउंसी है या ऑयली है या ड्राई है, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो वो उसको आप पढ़ लीजिएगा। थ्योरी है तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रेट कट आना चाहिए, जो कि लगभग लगभग मेरे चैनल पर जितने लोग देख रहे होंगे उनको अब तक तो इतना आ चुका होगा कि वो स्ट्रेट कटिंग आती होगी, यू कटिंग, वी कटिंग ये भी आती होगी, लेयर की भी वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही डाली थी। बहुत सिंपल काटी, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि वो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद स्टेप कट, अगर स्टेप कट आपको आ गया तो मल्टी कट भी आ जाएगा, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। स्टेप्स कटिंग की वीडियो मैंने अपने शायद चैनल पर अभी नहीं डाली है, लेकिन मल्टी की डाली हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन मैं इसकी कटिंग आप लोगों को और क्लियर बता दूंगी, क्योंकि जब मैंने हेयर स्टार्ट किया तो क्या हो गया, हमेशा लॉकडाउन लग जाता है, और हेयर कटिंग क्या होता है, जब किसी और के ऊपर करते हैं तो ही ज़्यादा अच्छे से उसका वीडियो बन पाता है। तो इतनी चीज़ें आपको, उसके बाद आता है मेकअप। तो मेकअप में भी हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, लेकिन अभी मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ, कल या परसों से अपने मेकअप कोर्स वाले चैनल पर, जहाँ पे मैं पूरा स्टार्टिंग से कितने प्रकार की स्किन होती हैं, कितने प्रकार के मेकअप होते हैं, और स्टार्टिंग से पहले शुरू में बेसिक बता देंगे, ताकि आपके पास काम आए तो आपको दिक्कत ना हो करने में, और फिर धीरे धीरे आप सब लोगों को और आगे ले चलेंगे, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए। मेकअप भी लगभग लगभग आप लोगों को इतना मैंने बताया है कि प्रोडक्ट की नॉलेज आपको है, और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ताकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि काले जो लोग हैं उनके ऊपर मेकअप नहीं कर पाती हैं, वो लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जो लोग काले होते हैं वो गोरा होना चाहते हैं, और उनको गांव में जो हमारी बहनें हैं वो गोरा नहीं कर पाती। अभी मेरे पास इसका भी एक बहुत, मेरी बहन थी, रो रही थी, उनको भी प्रॉब्लम थी कि मेरा बेस बार बार वो काला पड़ जा रहा था, और उनको मैं शाइनर वगैरह लगा रही थी पर वो गोरी नहीं हो रही थी,
तो बहुत वो परेशान थी, यानी कि रो रही थी। तो मतलब वो चीज़ें बहुत मुझे बुरी लग रही थी कि इतना कुछ बताने के बाद भी अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो इसीलिए मैं फिर से एक बार अपने मेकअप कोर्स वाले चैनल पर मैं फिर से बहुत सरल तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ। और इसको आप चाहें तो अभी तो इसको नहीं, पर इसके आगे की जो जितनी भी थ्योरी के साथ क्लास चलेगी तो उसको आप लिख भी सकती हैं। तो आप जब क्लास करने बैठें तो और पेन और कापी साथ में लेकर बैठें, ताकि आप लिखते हुए चलें और क्लियर भी आपको होता चले कि हाँ आपने ये चीज़ें सीख ली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि इतना आप लोगों को अपना फाइनल कर लेना है कि हाँ आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए पार्लर खोलने के लिए। अभी मैं बता दूँ कि बहुत सारी जो बहनें हैं वो ये बोल रही थी कि उनका फीस जमा कर लिया गया है, पर जो है वो सिखा नहीं रहे हैं, आके लोग सिखा नहीं रहे हैं। तो उसमें ये क्या है कि आप इतनी चीज़ें सीखकर अपना पार्लर खोल लीजिए, उसके बाद आप आगे की क्लास मेरे ही चैनल से लेते रहिएगा। आपको कोई कहीं भी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे ही चैनल से सीख जाएंगी। और मैंने तो आप लोगों को अपना नंबर दिया हुआ है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकती हैं। हाँ ये है कि थोड़ा सा हमें समय लग जाता है, कभी हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं जल्दी से, पर करते ज़रूर हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोगों ने ये चीज़ सीखा होगा कि इतनी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, नहीं भी आती होंगी तो इसको क्लियर करके आप अपना पार्लर खोलिए। मैं अपने ब्लॉग वाले चैनल पर आप लोगों को कुछ एरियाज़ दिखाऊंगी जहाँ पे आप अपना पार्लर इस तरीके के एरिया में खोल सकती हैं, तो भी अच्छे से पार्लर चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके पास फीस का पैसा नहीं है, क्या करें कैसे करें, तो इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब से आप आराम से सीख सकती हैं। ठीक है, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, फेशियल, और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।